नमस्कार दोस्तों, मैं फारूकी और स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो होने वाली है। तो जैसे आप वीडियो में ये है ट्रांसफॉर्मर और ये अडेप्टर। ये अडेप्टर की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो इस मिनी बल्ब के ऊपर थी, तो उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आई बटन में शो हो रहा होगा, तो वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये अडेप्टर देख रहे हैं, ये 6 वोल्ट का आउटपुट देता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये एक ट्रांसफॉर्मर है, ये 9 वोल्ट का आउटपुट देता है जैसे आप देख सकते हो। तो ये 9 वोल्ट का आउटपुट देता है और ये 6 वोल्ट का आउटपुट देता है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले ये है कि हम इस अडेप्टर को और इस ट्रांसफॉर्मर के वायर को आपस में कनेक्ट कर देंगे और फिर देखेंगे कि हम इससे इस लाइट को जला सकते हैं कि नहीं जला सकते। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इसको देखने में, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं, ये है ट्रांसफॉर्मर, मैंने इसको एक निकाल लिया, एक अडेप्टर में से ही निकाला इस ट्रांसफॉर्मर को, पर वो अडेप्टर था 9 वोल्ट का अडेप्टर, तो इसमें से 9 वोल्ट निकलेंगे। तो मैं आपको पहले इस 9 वोल्ट की बैटरी को चला करके बता देता हूँ कि इसमें से 9 वोल्ट आ रहे हैं, और ये यहाँ पे एक लगा हुआ है जैसे आप देख सकते हैं, ये है हमारा एसी अडेप्टर जैसे वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं एक एसी पे इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं। तो मैं जैसे ही इसका स्विच ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे ये दो वायर दिख रहे हैं, मैं इसको जैसे देख सकते हैं 9 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखते हैं ये मोटर चालू हो गई है, जैसे आप देख सकते हैं ये मोटर ऑन हो चुकी है। तो मैंने ये आपको बताने के लिए इसके ऊपर एक कागज़ को लगा दिया है जैसे आप देख सकते, इसमें से 9 वोल्ट आ रहा है, 9 वोल्ट की ये मोटर इससे चालू हो जा रही है आसानी से जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। देख सकते हैं कि मैंने अडेप्टर को और ये ट्रांसफॉर्मर को यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं एक बार आपको अडेप्टर चेक करके बता देता हूँ, तो जैसे आप ये देख सकते हैं मोटर चला करके आपको बता देता हूँ इस अडेप्टर से देख रहे हैं, ये 6 वोल्ट का अडेप्टर है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इससे देखेंगे कि 9 वोल्ट की बैटरी चालू हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। तो मैं इस पर वायर कनेक्ट करता हूँ पीछे, जैसे देख सकते हैं कि इससे ये मोटर चल रही है। तो जैसे देख सकते हैं कि 2.5 वोल्ट के मैंने बल्ब ले लिए इसके अंदर से, और ये एक बल्ब ले लिया मैंने इसमें से। अब इस बल्ब को हम इसमें अटैच करेंगे, तो क्या ये 9 वोल्ट से ही बल्ब चल पाएगा? अब इस पर यहाँ मैंने इसको इसमें लगा दिया इस तरीके से ऑन कर दिया, ये 9 वोल्ट से क्या ये चलेगा या फिर नहीं चलेगा जैसे आपने देखा। तो इसमें ये बल्ब उड़ नहीं रहा है, ये इसकी खास बात है जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली जल रहा है। तो आपने जैसे मेरी पहली वीडियो में देखा हो, तो इस 6 वोल्ट के अडेप्टर के साथ जब मैंने इस बल्ब को कनेक्ट किया तो बल्ब उड़ जा रहा था बार बार। तो ये इसके साथ ये खास बात हो रही है कि ये 9 वोल्ट के साथ ये बल्ब उड़ नहीं रहा है जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। अब हम अपने मेन एक्सपेरिमेंट पे आते हैं जैसे आपने देखा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है जिससे ये चिपक रहा है जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। अब ये हमारे 6 वोल्ट के अडेप्टर को, ये जैसे देख सकते हैं वीडियो में ये 6 वोल्ट का अडेप्टर है, इसको यहाँ पे लगा देते हैं इस तरीके से। अब इन दो को कनेक्ट करते हैं, तो क्या इसमें पावर बढ़ जाएगा? आउटपुट बढ़ गए तो क्या दोनों के साथ पावर भी बढ़ जाएगा इसका? देखते हैं क्या होता है इसमें जैसे आप वीडियो में देखना, तो इस पर कनेक्ट देख सकते हैं पावर भी बढ़ चुकी है जैसे आप वीडियो में देख सकते हो इसकी देख। इस लाइट को कनेक्ट करते हैं, इस दोनों अडेप्टर को हमने एक साथ जोड़ लिया है जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, दोनों अडेप्टर को एक साथ जोड़ लिया है। अब इस लाइट को हम कनेक्ट करते हैं, तो क्या ये लाइट जलेगी?
देख सकते हैं कि मैं इस पे वायर को अटैच कर दे रहा, जैसे मैंने इस दोनों वायर को एक साथ कनेक्ट कर दिया इस लाइट पे। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि अडेप्टर लगे हुए हैं दोनों, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और एक अडेप्टर भी लगा हुआ है। तो अब मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ तो क्या होता है देखते हैं, क्या लाइट फूट जाएगी या फिर लाइट जलेगी। तो मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस लाइट पे तो कुछ भी असर नहीं हो रहा, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। एक बार आपको इसका करंट बता देता हूँ। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि करंट तो बराबर आ रहा है इसमें से, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इस पर टच करके देखते तो इसका तो कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस ट्यूब के वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरीडी की लाइट है और इसके वोल्ट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये डायरेक्ट 240 वोल्ट पे सप्लाई पे ऑन होती है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। तो मैं एक बार ये भी बता देता हूँ कि ये लाइट ऑन है, जो मैं देख सकते कि ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में लाइट है और हमने एक्सपेरिमेंट बिल्कुल जेन्युइन तरीके से किया था। लेकिन हुआ ये कि इसके वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इस दो अडेप्टर के मतलब 14 वोल्ट का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो। तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम ऐसी एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो लाते रहते हैं, तो हम जल्द से जल्द अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।